नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म शरीर में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को जोड़ करके जो बनता है वो मेटाबॉलिज्म है। अब तुम कहोगे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म है शरीर में, क्या है हमारा शरीर है, इस शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कभी कोई सेल टूट रहा है, कभी कोई जुड़ रहा है, कभी कोई ख़राब सेल है तो उसे ख़त्म करा जा रहा है, नए सेल बनाए जा रहे हैं। सेल मतलब कोशिका, मुझे इसी चैनल पे लोगों ने बताया कमेंट में सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। अच्छा, तो ये जो कोई चीज़ें टूट रही है, कोई चीज़ें बन रही है, आपने देखा होगा कई बार चमड़ी सूख करके अलग हो जाती है, वो चमड़ी हटती है तो नीचे दूसरी चमड़ी आ गई होती है। तो ये जो दूसरी चमड़ी आई है ये बनी है, बनाई गई है। तो ये जो कोई चीज़ें टूट रही है, कुछ चीज़ें जुड़ रही है, तो जो चीज़ें टूट रही है वो टूटने की जो प्रोसेस है, वो जो टूटने टूट रही है उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जो चीज़ें जुड़ करके कोई एक नई चीज़ बन रही है, उस जुड़ने की जो प्रोसेस है, जुड़ करके नई चीज़ बनने को एनाबॉलिज्म कहते हैं। एक चीज़ है वो टूटी, ये हो गया कैटाबॉलिज्म। दो चीज़ें वो जुड़ी, ये हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का एक उदाहरण ले लो कि जैसे तुम्हारे शरीर में चर्बी है, तुम वजन कम कर रहे हो तो धीरे 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 चर्बी कम हो रही है, तो जो चर्बी, जो फैट के सेल होते हैं, फैट की कोशिकाएं होती है, चर्बी की कोशिकाएं होती है, तो वो जो जिन कोशिकाओं में पड़ा है वो कोशिकाएं अब तुम्हारे शरीर से कम हो रही है, तुम्हें दिख रहा है, तो कहाँ जा रही है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, उनसे तोड़ करके उनसे ऊर्जा निकाली जा रही है। उस ऊर्जा को तुम पूरे दिन में खर्च कर रहे हो, धीरे 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 वो टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, उनसे ऊर्जा निकल रही निकल रही निकल रही, ऊर्जा खर्च होती जा रही है तुम्हारे रोजमर्रा के काम में, जो भी तुम पूरे दिन में काम कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तुम्हारे शरीर की गर्मी उतनी की उतनी बनी हुई है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है शरीर का, इन सब में वो ऊर्जा खर्च हो रही है। तो वो जो फैट के सेल टूटे, वो चर्बी कोशिकाएं टूटी और उनकी ऊर्जा काम ले ली गई, तो वो जो टूटने की जो प्रोसेस है, वो टूटने वाला जो काम है वो कैटाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म जा रहे हो, जिनमें कसरत कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, खूब दबा के खा रहे हो, तो मान लो काफ़ी प्रोटीन है तुम्हारे शरीर में, मान लेते हैं एक बार के लिए, तो प्रोटीन, दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिल करके, ऐसे कई सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिल करके तुम्हारी मसल बनेगी। तो ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिल करके मसल बनती है, ये कुछ जुड़ करके कुछ नया बन रहा है, ये हो गया एनाबॉलिज्म। दोनों की शरीर में ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि आप कह दो एक ख़राब है और एक अच्छा है, कुछ जगहों पे एक ख़राब है, कुछ जगहों पे एक अच्छा भी है ऐसे। तो ये जो कैटाबॉलिज्म कुछ टूट रहा है, एनाबॉलिज्म जो कुछ जुड़ के कुछ नया बन रहा है, इसे मिला करके जो बोलते हैं वो है मेटाबॉलिज्म। ये शरीर में जो दोनों चीज़ें हो रही हैं, मिला करके जो प्रोसेस है, जो मिल करके टूटना जुड़ना हो रहा है, इसे बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। अब आम तौर पे क्या है, बातचीत में क्या है मेटाबॉलिज्म, अब क्या है कि जो टूट रहा है और जुड़ रहा है, टूट रहा है जुड़ रहा है, जो चीज़ें हो रही है ना, इसमें कुछ ऊर्जा हमारा शरीर खर्च करता है इन चीज़ों को करने के लिए। मतलब कोई चीज़ को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च हो सकती है, किसी कोई दो तीन चार चीज़ों को जोड़ करके कुछ एक नई चीज़ बनाने के लिए भी कुछ ऊर्जा खर्च हो सकती है। तो ये जो तोड़ने जोड़ने की जो चीज़ें पूरे शरीर में हो रही है पूरे दिन में, उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा को भी हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं आम तौर पे। वैसे मेटाबॉलिज्म वो जो चीज़ें हो रही है उन्हें बोलते हैं तोड़ने जोड़ने की, पर आम भाषा में उन तोड़ने जोड़ने की चीज़ों को करने में जो शरीर ऊर्जा खर्च कर रहा है उसको मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि शरीर जो ऊर्जा खर्च करता है उसे कैलोरी में नापा जाता है, पहले हम ये सब बातें कर चुके हैं। तो शरीर जो ऊर्जा खर्च कर रहा है जो तोड़ने और जोड़ने में, उसे हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं आम भाषा में, और उसमें जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो कैलोरी में नापी जाती है, तो मेटाबॉलिज्म कैलोरी में नापा जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, मैंने बताया था कि बिस्तर पे पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे शरीर जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गई। तो आमतौर पर मेटाबॉलिज्म को लोग बेसल BMR से भी, मतलब कोई किसी से मैं पूछूं कि भाई तेरा मेटाबॉलिज्म कितना है, तो वो बता देगा कि भाई मेरी BMR इतनी है। तो आमतौर पर लोग मेटाबॉलिज्म उसको भी कह देते हैं। पर मेटाबॉलिज्म अगर वो ऊर्जा देखो जो पूरे दिन में तोड़ने जोड़ने में तुम्हारा शरीर खर्च कर रहा है, उस तरीके से देखो तो BMR तुम्हारा पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं है, तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरी है, ये मैंने पहले पिछले वीडियो में बता रखा है मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो तुम्हारा पूरे दिन का मेटाबॉलिज्म हो गया। वैसे मैं एक बात है कि किसी की BMR कम है और एक आदमी है जिसकी BMR पहले वाले आदमी से ज़्यादा है, और ये दोनों पूरे दिन में सब कुछ एक जैसा कर रहे हैं,
तो मेंटेनेंस उसकी, मतलब कसरत भी एक जैसे कर रहे हैं, चल रहे हैं तो एक जितना चल रहे हैं, खा रहे तो एक जितना खा रहे हैं, सब कुछ एक जैसे कर रहे हैं, तो जिसकी बीएमआर कम है उसकी मेंटेनेंस कैलोरी कम आएगी, और जिसकी कम आनी चाहिए, और जिसकी बीएमआर ज़्यादा है उसकी मेंटेनेंस कैलोरी ज़्यादा आनी चाहिए, अगर दोनों सब कुछ एक जैसे कर रहे हैं तो। इसलिए लोग यूं भी कहते थे कि, मतलब बीएमआर से भी कहते थे लोग मेरा मेटाबॉलिज्म कम है, और लोग पूरी मेंटेनेंस कैलोरी से भी कह देते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म कम है जाता है। मेटाबॉलिज्म कम ज़्यादा क्या होता है, इससे हमारे शरीर पे क्या फर्क पड़ता है, मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। पर यह भी समझाने के लिए था कि मेटाबॉलिज्म है जो शरीर में टूट रहा है, जुड़ रहा है, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इस टूटने जुड़ने को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और आम भाषा में हम ऐसे कह दे, इस टूटने जुड़ने में जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है उसे भी मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो आम भाषा में यूँ बोल देते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म 1500 कैलोरी है, 2500 कैलोरी है ऐसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। आपसे अगली वीडियो मिलूंगा। नमस्कार।